गाइस, अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक या एडीएचडी है तो ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप थेरेपी देते हैं अपने बच्चे को या थेरेपी बाहर से करवाते हैं अपने बच्चे के लिए। मैं हूं मेंटर सुनील, मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 आप डायल कर सकते हैं, प्लस 91 जरूर लगाएं अगर इंडिया के बाहर से आप डायल करना चाहते हैं। मेरी कंसल्टेशन इंडिया के लिए 1000 है, इंडिया के बाहर से कॉल करें 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो पहला जो चैलेंज आता है, सबसे पहला चैलेंज आता है पेशेंस। अब आप कितने पेशेंट, क्योंकि ये जितनी भी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जितनी भी थेरेपीज होती हैं, इसमें बहुत लंबे टाइम के लिए चलती हैं। कुछ केसेस में आप मान के चले 6 महीने से लेकर के 2-3 साल आपको मैनेज करना पड़ता है, समटाइम्स इससे भी ज्यादा। तो यहाँ पेशेंस की एक बहुत बड़ी बात आ जाती है। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि कितनी जल्दी आप थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर आप 2-2.5 साल की एज में थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं तो मेरे हिसाब से 6 महीने से 1 साल से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पेशेंस की बड़ी बात आ जाती है। कई बार आप थक हार के छोड़ देते हैं क्योंकि उतने बड़े बड़े चेंजेस आपको समटाइम्स नहीं मिलते जितने चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। फिर भी सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप अपने थेरेपिस्ट को जज करें हर एंगल से कि क्या आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, क्या आप उसकी क्वालिफिकेशंस देख चुके हैं, आपको पता है कि वो कितना क्वालिफाइड है आपके बच्चे को ट्रीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप में भी थोड़ा सा इंसाइट होती है जब आप अपने थेरेपिस्ट से बात करते हो तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। क्योंकि कई सारे लोग हैं बैठे ट्रीटमेंट करने के लिए, थेरेपी करने के लिए, तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी आपको कई लोगों के वीडियोस मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा सा जरूर आप देख लें कि क्या आपके थेरेपिस्ट इस काबिल हैं कि वो ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर उसके बाद उनके चार्जेस क्या हैं, इसको आप स्टडी कर लें कि लंबे टाइम तक आप पे कर सकते हैं कि नहीं पे कर सकते हैं। आप उसी समय निगोशिएट भी कर लें, उनसे पूछ लें कि वो कितना इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ अफोर्डेबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट या थेरेपी कई बार बंद हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर आप वर्किंग हैं या आप नॉन वर्किंग हैं, आपका कोई बिजनेस है, क्या चीजें हैं, आप अपना टाइम कितना स्पेयर कर सकते हैं, आप थेरेपी सेंटर पे लेके जा सकते हैं या आपको होम ट्रेनिंग प्लान चाहिए। अगर आप वर्किंग है दोनों हस्बैंड वाइफ तो आपको होम ट्रेनिंग प्लान चाहिए होते हैं, नहीं भी वर्किंग होते तो होम ट्रेनिंग प्लान से। और अगर आप सिर्फ दिन में 1-1.5 घंटा दे सकते हैं तो इजिली आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि अगर आप वर्किंग होते हैं आप टाइम नहीं निकाल पाते, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तुम करो, घर में और ज्यादा प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो इससे बचने के लिए पहले से आप देख लें कि अफोर्डेबिलिटी बनती है, पेशेंस बनता है, फिर आपका जो थेरेपिस्ट है वो कितना क्वालिफाइड है उसको स्टडी कर लें, उसके बाद आप कितना टाइम स्पेयर कर सकते हैं उसको स्टडी कर लें। मेरे हिसाब से अगर आप दोनों एक घंटा वाइफ और 1 घंटा हस्बैंड अगर मिल करके दे दें तो आराम से आपका काम चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश जरूर करें ताकि आप अपने बच्चे की थेरेपी को स्मूथली कर सकें। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई और आपके कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए ताकि हम लोग इस पर भी डिस्कस कर सकें। क्योंकि ये चैलेंजेस को ओवरकम अगर आप कर लेंगे तो आप लंबे टाइम तक थेरेपी को निभा सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत जल्दी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।